महाराष्ट्र में एक दिवसीय भाजपा का शंखनाद आंदोलन, मंदिर हम खोलेंगे, धर्म को न्याय दिलाएंगे, ऐसा नारा देते हुए भिवंडी शहर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतोष शेट्टी के मार्गदर्शन में वराला देवी मंदिर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन छेड़े है। महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य में बियर बार खुल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकते हैं। भिवंडी शहर भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण भारतीय आघाड़ी के अध्यक्ष मोहन कोंडा ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बियर बार और इत्यादि व्यवसाय चालू किए हैं सोशल डिस्टेंस से, उसी तरह मंदिरों को भी खोलने की अनुमति दे सरकार। सभी राज्यों में मंदिर खुले हैं, इतना क्यों? महाराष्ट्र के बाजू में सटे हुए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर खुले हैं तो महाराष्ट्र में मंदिर क्यों बंद है? वहां पर भी कोरोना कोविड का डर जनता में है, फिर भी वहां की सरकारों ने मंदिर खोल रखे हैं। हम भी महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार से, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र के सभी धार्मिक स्थल व मंदिरों को खोलने की अनुमति दे, नहीं तो हम भाजपा के सभी कार्यकर्ता मिलकर महाराष्ट्र में तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे, जबरन मंदिरों को खोलेंगे, इसका पूरा जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार की ही होगी, ऐसा भाजपा के नेता मोहन कोंडा ने कहा है। इस एक दिवसीय संकेतिक शंखनाद आंदोलन में भिवंडी भाजपा के वरिष्ठ कोंका मल्लेशम नगर सेवक श्याम अग्रवाल, हनुमान चौधरी, किशन कल्याडप, मोहन कोंडा, भूमेश कल्याडप, निष्काम बैरी, महिला अध्यक्ष ममता परमानी, एडवोकेट प्रवीण मिश्रा, विशाल पाटारे, वडिगोपुल शंकर गुरुजी, आडप श्रीनिवास, नागेश उप्पल, शैलेश मूसम, देवदास व आदि भाजपा के लोग उपस्थित थे। साहब आप तो जानते ही हो, आपने जिस तरह पूरा हमारे यहाँ पूरा मंदिर बंद है, आपने पोषमा हमारे तेलुगु समाज का जो पोषमा दल्ली का भी यहाँ पे विरोध था, पूरे मंदिर सब जगह, जैसे हमारे वरिष्ठ लोग ने कहा कि पूरे राज्य में मंदिर खुला है, हम उद्धव ठाकरे से विनंती करते हैं, अभी तो सब खोल गया, मॉल में भी जिस तरह वैक्सीन लेके आप गिरते हैं, हमारे पब्लिक भी समझदार हो चुके हैं, हमारे घर की माएँ बहनें भी समझदार है, अगर आप खोलेंगे तो जैसे सोशल डिस्टेंस मॉल में यहाँ पे बाहर में आप लोग जैसे भेजते हो वैसे ये भी करेंगे, खोलो तो सही, मंदिर भी बंद करें तो कैसे चलेगा? ये तिगाड़ी सरकार से हम विनंती करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द खोलिए, नहीं तो हमारे अभी हम लोग जिस तरह हमारे मार्ग हमारे भिवंडी के शहर अध्यक्ष ने जिस तरह हमको बोला कि उनके मार्गदर्शन में ये कार्रवाई करने बोला है कि आंदोलन इसमें और जोर से भी कर सकते हैं, यही हमारी आशा है कि आप कृपया करके मंदिर खोले। इसके लिए मंदिर बंद रखे क्या कहेंगे? ये थर्ड वे का जो अब मैं पहले तो मैं उद्धव सरकार को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि देवे, क्योंकि आज पूरे माहौल में आज कोई कोरोना की जो चीज़ है ना जो पहले थी आज बिल्कुल शून्य की तरफ से दौड़ रहा है, कोई तकलीफ नहीं, और वहाँ पे जो मंदिर बंद है मदरा चालू है, इसके पहले हमने भी इसके ऊपर हमने किया था कि अपने मंदिर खोलना चाहिए, मगर उनको अभी भी तक सद्बुद्धि नहीं आ रहे। बाजू में नांदेड़ के बाजू में आज तेलंगाना है, वहाँ पे पूरे मंदिर चालू है, और हमारे अपने आंध्र प्रदेश में बालाजी मंदिर चालू, जितने बड़े बालाजी मंदिर चालू है, यहाँ भी हमारी पार्टी के माध्यम से मंदिर उघड़ा ऐसा एक आंदोलन हुआ था। वर्तमान में कोरोना बिल्कुल शून्य की स्थिति में था पूरे प्रदेश में, फिर भी एक राज्य की तिगाड़ी सरकार जिसमें कहीं समन्वय नहीं है, एक मंत्री कुछ बोलता है दूसरा मंत्री कुछ बोलता है, ऐसी परिस्थिति वाली ये सरकार आज जैसे अभी हमारी घोषणाओं में आया कि दारू की दुकानें खुली है लेकिन मंदिर बंद है, क्या दारू की दुकानों में क्या बियर बार में कोरोना नहीं है, क्या मंदिरों में ही कोरोना है? ये असहिष्णु सरकार है, विधर्मी सरकार है, इसका हम लोग सभी कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश के अंदर और आज यहाँ हम लोग भिवंडी शहर जिले के माध्यम से हमारे दक्षिण मंडल का ये कार्यक्रम है, और हम लोग यहाँ ये आघाड़ी सरकार का निषेध करने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं, और पिछले साल भी किए थे अभी भी कर रहे हैं।
अभी पूरा देश में सभी राष्ट्र में मंदिर खुला हुआ है। अभी तेलंगाना में हुआ, आंध्रा में हुआ, इतना बड़ा बालाजी मंदिर, देश का माना चुना मंदिर, वो चालू है। आप महाराष्ट्र में गए, कोविड से 2 साल से मंदिर बंद रखा गया है। ये श्रावण महीने में महिलाओं का बहुत पुण्य का ये दर्शन का काम रहता है, तो इसमें भी इन्होंने छूट नहीं दिया। इसके लिए हम पूरा भारतीय जनता पार्टी दक्षिण आघाड़ी के तरफ से और दक्षिण मंडल के तरफ से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग को सरकार को एक ये दिया था अल्टीमेटम, फिर भी सरकार सुनने का दिशा में नहीं दिख रहा है। अब की बार हम लोग तो आगे सरकार हमारी बात सुनी नहीं जाएगी तो हम लोग तो मंदिर खोल के ही रहेंगे। की बात कर रहे, क्या करेंगे? मंदिर तो खोलना ही चाहिए। आज आंदोलन इसके लिए हुआ है कि श्रावण महीना चालू है, महिलाएं पूजा करने जाती है, अभी ये त्योहारों का दिन है और मंदिर बंद है। क्यों मदिरा चालू है और मंदिर बने? इनको मंदिर और मदिरा लाई में फ़र्क नहीं दिख रहा है ठाकरे सरकार को, तो ये फ़र्क उन्होंने जानना चाहिए और मंदिर खोलने चाहिए। मदिरा लाई खुले है तो महिलाओं की आस्थाओं का विषय है, हिंदुओं की हमारी आस्थाओं का विषय है। ये आस्था को वो लोग सूली पे चढ़ा के मंदिर बन रख रहे हैं, तो मंदिर खोलना ही चाहिए। नहीं खोलेंगे तो हम अपने आप मंदिर खोल देंगे, उसके ऊपर फिर कुछ भी हो जाए, हम लोग मंदिर खोलने के लिए तैयार। जिस तरह से मंदिर बंद है, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं वरौल देवी मंदिर के पास, क्या कहना चाहेंगे आप? ये आंदोलन तो अभी खाली एक सांकेतिक आंदोलन है, ये आंदोलन एक्चुअली में बहुत तीव्र गति से होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ पूरे महाराष्ट्र के अंदर एकदम कम से कम हुआ है, तो अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं कोरोना कुछ है तो उसको इस तरीके से प्रोटोकॉल के तहत भी मंदिर को उघाड़ना जरूरी है। यानी जब तक मंदिर खोलना बहुत ही